Hello student, today I am going to teach about the HTML code. Yesterday I gave you some questions for code, HTML code. Today I am going to explain about this, how to code HTML. Understood? So pehla wala code ko dekhte hain hum log, jisme diya gaya hai H2 SO4 जो कि हमारा है H2, मतलब यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, बेस में है, इसका मतलब कि ये हमारा सबस्क्रिप्ट पे किया जाएगा. ओके, सो लेट मी डू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोटपैड. तो आई हैव टाइप नोटपैड आफ्टर दैट. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइप करते हैं. तो थोड़ा फंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. फंड को बड़ा करने के लिए फॉर्मेट में जाइए और फंड में जाइए, फंड साइज को ले लीजिए. तो मैं साइज 24 अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हो जाएगा, क्लियर आपको दिखाई देगा. ओके राइट, ठीक है. तो स्टार्ट HTML, फिर इसके बाद आपका हेड, टाइटल में कुछ भी ले सकते हैं आप H, ठीक है ना. फॉर्मेटिंग वाला था तो फॉर्मेटिंग लिख दीजिए फॉर्मेटिंग, एंड देन क्लोज टाइटल. ओके फाइन, एंड देन क्लोज हेड. आफ्टर दैट ओपन बॉडी, ठीक है ना. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी हमको मैटर दिखाना रहेगा, ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के बीच में ही दिखाएंगे, राइट ना. तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्या था हमारा H2SO4, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग क्या मेरा आउटपुट में H2SO4. तो फर्स्ट भी यहां पर लिखते हैं हम लोग H सबस्क्रिप्ट SUB टू क्लोज SUB, H2 हो गया हमारा H2, ठीक है. इसके बाद SO, फिर इसके बाद हमारा 4 के नीचे हमारा क्या है, बेस में है, सबस्क्रिप्ट में है, सब लिखेंगे SUB and then 2 and then close SUB, right ना. तो क्या हो गया मेरा H2SO, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है मेरा 4 है, ठीक है ना. H2SO4 सबस्क्रिप्ट क्लोज हो गया. और फिर क्या करेंगे आप इसको, क्लोज द बॉडी एंड देन क्लोज HTML. ओके फाइन. सो इसको सेव करते हैं हम लोग. तो क्या करेंगे, Ctrl+S शॉर्टकट की है, अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो क्लिक ऑन फाइल एंड देन क्लिक ऑन सेव आफ्टर, ठीक है. आफ्टर क्लिकिंग सेव यू कैन सी हियर डायलॉग बॉक्स दैट यू कैन सी हियर. तो एडिट द नेम ऑफ .txt को हटा दीजिए यहाँ से, और कोई भी नेम दे सकते हैं आप. जैसे मेरा क्या है, सब स्क्रिप्ट है SUB.html, ठीक है. फिर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे क्या करेंगे हम लोग, इसको सेव करेंगे. पार्टिकुलर एक लोकेशन, यहाँ पे अगर फोल्डर बना सकते हो तो फोल्डर बना लीजिए, ठीक है. तो मैंने एक फोल्डर बना लिया HTML का, एक मैंने फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर में हम लोग क्या करें, इसको सबस्क्रिप्ट, मतलब सबस्क्रिप्ट नाम के इसमें इसको सेव कर दे रहे हैं. एंड डोंट फॉरगेट दैट .html एक्सटेंशन, अंडरस्टूड. सो .html एंड देन क्लिक ऑन सेव. आफ्टर क्लिकिंग सेव यू कैन सी योर आउटपुट ऑन देयर. क्लिक ऑन HTML एंड राइट प्रेस, ठीक है, राइट क्लिक फ्रॉम द माउस एंड ओपन विद गूगल क्रोम. आफ्टर क्लिकिंग गूगल क्रोम यू कैन सी योर आउटपुट. या राइट ना, यू कैन सी हियर H2SO4. अगेन दैट वी कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर a+b² = a² + b² + 2ab, दैट्स मीन दिस इज अ सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है ना. अगर हमारा बेस में अगर रहेगा तो वहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे. अगर वहां पर क्या हो रहा है, अगर मेरा पावर के फॉर्म में है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम लोग, सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं. सो लेट वी डू. ओके चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग. फिर से Ctrl+N लेके नया पेज ले लेते हैं हम लोग, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग. फिर से टाइप करते हैं HTML हेड टाइटल में आप सुपर स्क्रिप्ट का आपका है, सुपर स्क्रिप्ट
ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट एंड देन क्लोज टाइटल TITLE टाइटल एंड देन क्लोज हेड एंड देन क्लोज क्लोज हेड हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा बॉडी। ओके अब यहां पर हमारे क्या लिखेंगे, क्या था आउटपुट में देखते रहेंगे हम लोग, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सो क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट पे लगाते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी इसकी पावर था मेरा 2 ना, तो क्या लगाएंगे यहां पर हम लोग SUP एंगल ब्रैकेट SUP 2। ओके एंड देन क्लोज SUP सुपरस्क्रिप्ट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके a का स्क्वायर दैट्स मीन a के पावर, मतलब a पे क्या लगाएंगे SUP 2 और SUP को क्या कर देंगे हम लोग क्लोज कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है a स्क्वायर प्लस, ठीक है b लिखेंगे, b के पावर क्या लगा देंगे SUP 2 और क्लोज SUP, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या था 2AB, सो अगेन दैट क्लोज बॉडी एंड देन क्लोज HTML, क्लोज HTML एंड देन सेव। ठीक है आफ्टर क्लिकिंग कंट्रोल प्लस एस, आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एस फिर क्या करना है आपको, अब नाम देना है, जो भी आप नाम दे सकते हो नाम दे दीजिए .html, ठीक है .html मैंने इसको सेव कर दिया, कहाँ पर सेव हो रहा है मेरा, यह HTML नाम का जो फोल्डर था उसी में मेरा यह सेव होगा। ओके देन सेव, फिर क्या करते हैं इसको बैक जाइए, आप उसको वापस चेक कर लेंगे। ठीक है कि देखिए ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट दे रहा है, क्लिक ऑन राइट प्रेस, अब ओपन विद गूगल क्रोम यू कैन सी। ठीक है देखिए आपका आउटपुट इससे मैच कर रहा है, यू कैन सी ना, देखिए दोनों कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये वाला हमारा आउटपुट है, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं सेम दोनों का। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सी वाला, ठीक है ना, सी वाला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं फिर से क्या करेंगे हम इसको, फिर से कंट्रोल प्लस एन लेंगे और इस आउटपुट को देखते हैं हम लोग क्या करते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है x^-1, फिर से लिखते हैं हम लोग HTML हेड टाइटल, टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना, कुछ भी जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है फॉर्मेटिंग एंड देन क्लोज TITLE टाइटल एंड देन क्लोज क्लोज हेड ओपन बॉडी। इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आ दिया गया है ब्रैकेट x^-1, तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं पहले ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर x लगाते हैं, फिर इसके बाद माइनस वन दिया गया है तो SUP लगाएंगे, ठीक है फिर कितना मेरा -1 और इसके बाद क्या हो जाएगा क्लोज SUP हो गया। इसके बाद क्या मेरा प्लस y^-2 है, सो प्लस y^-2, सो अगेन दैट SUP फाइन, सो -2 एंड दैट क्लोज SUP हो गया एंड देन ब्रैकेट, ब्रैकेट हो गया। फिर इसके बाद क्या है k^25 है, मतलब होल के पावर 25, सो अगेन दैट फिर लिखेंगे SUP 25, फिर आपका क्या हो जाएगा क्लोज SUP, ठीक है 25, फिर आपका क्या है प्लस, फिर y देखते रहेंगे एक एक, ठीक है ना XY, ठीक बेस में हमारा दिया गया है अब 3, तो लिखेंगे SUB 3 क्लोज SUB फाइन। इसके बाद क्या कर देना है आपको बॉडी क्लोज एंगल ब्रैकेट लगाइए, क्लोज बॉडी कीजिए BODY एंड देन क्लोज HTML, सेव करते हैं इसको कंट्रोल प्लस यस, एडिट द नेम ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स,
सो मैंने इसको फॉर्मेटिंग दिया, तो मैंने फॉर्मेट ही लिख देता हूँ मैं, फॉर्मेट डॉट एच टी एम एल। ओके, इसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। ठीक, फिर वापस जाते हैं हम लोग फोल्डर में, देखिए फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, राइट प्रेस करिए, ओपन विद करके गूगल क्रोम से कर दीजिए। देखिए ये आपका आउटपुट आपके इस आउटपुट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स पावर माइनस वन, एक्स पावर माइनस वन प्लस वाई के पावर माइनस टू के पावर 25 प्लस एक्स वाई बेस 3। अंडरस्टूड? तो आपका जो ये दिया गया आउटपुट आया है वही हमारा, जो हमने आपको क्वेश्चन भेजा था वो हमारा वैसे मैच कर रहा है। सो इस तरह से आपका यह कोडिंग कंप्लीट होता है। ठीक है ना, सुपर की सबस्क्रिप्ट और ये भी आपका मिक्स था, सुपर की सबस्क्रिप्ट दोनों का मिक्स था। ओके, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।